गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डेली 5 मिनट में विज्ञान के 5 शब्द सीखते हैं और साथ ही साथ उन शब्दों को हम इंग्लिश में सीखते हैं। तो इससे हम लोग को 2 फायदा होता है। एक तो हमारा विज्ञान अच्छा होता ही है और साथ साथ इंग्लिश के वर्ड्स का भी स्टॉक हमारे पास जमा हो जाता है। ठीक है बच्चों, डेली 5 मिनट में हम लोग 5 वर्ड सीखते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने जो लास्ट जहाँ पे छोड़ा था वो क्या था, पानी। और पानी का इंग्लिश क्या होता है, वाटर। ये तो हम सभी जानते हैं, बट उसके लिए जो स्पेसिफिक नेम है जो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं साइंस में, पानी, उसको हम क्या बोलते हैं, पानी को, हाइड्रो। ठीक है बच्चों, तो आज का जो 5 वर्ड हम लोग सीखेंगे उसका थीम है हाइड्रो। तो आइए हम लोग फर्स्ट वर्ड से शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है जो बच्चों, ये है हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें हम लोग को 4 बातें जाननी है, वो जानना है। हाइड्रोजन सबसे पहले क्या है, गैस होता है। ठीक है, दूसरा क्या हम लोग को जानना है, ये पीरियडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी का पहला एलिमेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल, आवर्त सारणी का पहला एलिमेंट है। और ये कैसा बिहेव करता है बच्चों, नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और धातु की तरह यह बिहेव करता है। अब एक बहुत अच्छा प्रश्न यहां आता है बच्चों, सर हाइड्रोजन को हाइड्रोजन क्यों कहेंगे, कुछ दूसरा क्यों नहीं कहेंगे? तो आइए इसके पीछे का रीजन हम लोग जान ले कि हाइड्रोजन को हम लोग हाइड्रोजन ही क्यों कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर यानी कि पानी, और जेन का मतलब क्या होता है, जेनरेट करने वाला यानी कि पानी बनाने वाला। ठीक है बच्चों, अब जब हम पानी का रासायनिक संरचना देखते हैं या रासायनिक सूत्र देखते हैं तो ये क्या होता है, H2O। तो इससे हम लोग को क्या मालूम चला बच्चों, कि बिना हाइड्रोजन के क्या पानी संभव है, बिना हाइड्रोजन के हम लोग पानी का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए पानी को बनाने में कौन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये एलिमेंट। ठीक है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया हाइड्रोजन, मीन्स द एलिमेंट विच जेनरेट्स हाइड्रो, नोन एज हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग दूसरा वर्ड देख लेते हैं। आज हम लोग का दूसरा वर्ड है हाइड्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, तो आइए अब देखते हैं हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है। जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, और लिसिस का मतलब होता है ना, टू ब्रेक डाउन, तोड़ देना। यानी अगर हम लोग वाटर का यूज करके किसी को तोड़ दें, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस। इसको बोले तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, बॉन्ड ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हालांकि नाम से स्पष्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस को हिंदी में, जलीय संलयन। ठीक है ना बच्चों, आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये है इसका एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है ROOR2। जब इसको हमने H2O के साथ ट्रीट कर दिया तो यहाँ पे जो OR2 वाला बॉन्ड है ये क्या हुआ, टूट गया और इसके जगह हाइड्रोजन आके जुट गया। तो यहाँ पे बच्चों बॉन्ड ब्रेकिंग बाय हाइड्रोजन हुआ ना, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, आइए इसका एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई पॉलीमर है जो कि इस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, मैं दिखा देता हूं आप लोग को, देखिए ये बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब इसको जब हम H2O यानी कि वाटर से ट्रीट करेंगे तो देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसका जो मोनोमर साथ में थे वो दोनों मोनोमर अब क्या हुए बच्चे, अलग हो गए। यानी यहाँ भी H2O क्या किया, इसके बॉन्ड को तोड़ दिया ना। तो इस तरह के हम लोग केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिटिक केमिकल रिएक्शन, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस। आइए अब हम लोग तीसरा वर्ड देख लेते हैं। तीसरा वर्ड है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है ना बच्चों, जल का जुड़ जाना, इसीलिए इसका हिंदी नाम क्या है, जल योजन। योजन मींस क्या होता है, जुड़ जाना। ठीक है, अगर हम लोग पानी पी रहे हैं तो इससे क्या हुआ, हमारा बॉडी क्या हो रहा है, हाइड्रेट हो रहा है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग चौथा वर्ड देखते हैं। चौथा वर्ड हम लोग का क्या है बच्चों, डिहाइड्रेशन। डी का मतलब ही होता है टू रिमूव, हटा देना, टू रिमूव, हटा देना। ठीक है, तो अगर कहीं से अगर हम पानी को हटा रहे हैं, किसी भी जगह से अगर हम लोग उसमें से पानी निकाल दे रहे हैं या पानी को हटा दे रहे हैं तो उसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और इसका हिंदी क्या होता है, निर्जलीकरण। अब आप अपने घर में मम्मी से पूछिएगा कि मम्मी निर्जला उपवास क्या होता है, वो लोग आपको बहुत अच्छे से समझाएगा, यहाँ से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे भी हम लोग का जब पेट खराब हो जाता है तो बोलते हैं ना हम लोग आम बोल चाल के भाषा में कि डिहाइड्रेशन हो गया है। तो क्या होता है, मतलब वाटर फ्रीक्वेंट रिमूव हो रहा है बॉडी से, इसीलिए हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन।
ठीक है, आइए अगला वर्ड हम लोग का देख लेते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लोग हाइड्रो पावर यानी कि पानी का यूज करें किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस तरह जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जल विद्युत।